हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी इग्निस का जेटा वेरिएंट, जो कि रहेगा इसका सेकंड टॉप वेरिएंट। तो चलिए फ्रंट साइड से स्टार्ट करते हैं। हेडलैम्प्स की बात करें तो इसके अंदर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एंड अगर ग्रिल की बात करें तो इसके अंदर आपको क्रोमवर्क मिल जाता है। नीचे से बात करें तो इसके अंदर आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स एंड फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं इस वेरियंट के अंदर। ओवरऑल इसकी फ्रंट लुक काफी ज्यादा बोल्ड और एग्रेसिव लुक आती है। एंड अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको फुल बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है, 15 inches के ग्लॉसी ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एंड अगर बात करें तो इसके अंदर आपको काफी बड़े व्हील आर्च मिल जाते हैं, जो कि इसको एक एसयूवी वाली लुक देते हैं। इसी के साथ ओआरवीएम्स की बात करें तो वो आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहेंगे। एंड इसके अंदर आपको काफी सारे डिजाइन एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि सी पिलर पे 3 stripes एंड बोनट के ऊपर एक ब्लैक एलिमेंट। एंड अगर बात करें रूफ से तो इसके अंदर आपको रूफ रेल्स भी मिल जाती है एंड एक नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। रियर साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको रियर स्पॉयलर, रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड अगर टेल लैम्प्स की बात करें तो वो आपको हैलोजन में ही मिलेंगी। नीचे से बात करें तो इसके अंदर आपको सिल्वर फिनिश के अंदर स्किड प्लेट मिल जाती है। एंड अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको 32 liter का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब कलर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट कलर आपने देख ही लिया था इसका ऑरेंज कलर, ये है इसका सेकेंड कलर जो कि रहेगा व्हाइट कलर। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 83 bhp की पावर निकालता है एंड 113 Nm का टॉर्क। अभी आप देख रहे हैं इसका सिल्वर कलर। एंड अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ह्यूंडई ग्रैंड आइटन, नियोस एंड फोर्ड फिगो। वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं, जो कि रहेंगे सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा। जो आप देख रहे हैं ये है इसका जेटा वेरिएंट। एंड अब नेक्स्ट कलर की बात करें तो ये रहेगा इसका ग्रे कलर। अब ऑन रोड प्राइसेस की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल आपको 6,94,000 का ऑन रोड पड़ जाता है एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक आपको 7,48,000 का ऑन रोड पड़ जाता है। अभी आप देख रहे हैं इसका नेक्सा ब्लू कलर। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, आइसोफिक सीट माउंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट कलर, जो कि रहेगा टर्कोइस ब्लू कलर। इग्निस के जेटा एंड अल्फा वेरिएंट के अंदर आपको 3 ड्यूल टोन ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आप देख रहे हैं इसका पहला कलर, जो कि रहेगा नेक्सा ब्लू विद ब्लैक रूफ। सेकंड ड्यूल टोन कलर की बात करें तो वो रहेगा नेक्सा ब्लू विद सिल्वर रूफ। ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड ही लगता है। एंड अब थर्ड ड्यूल टोन कलर की बात करें तो वो रहेगा ऑरेंज विद ब्लैक रूफ। इस वेरिएंट के मिसिंग फीचर्स की बात करें तो वो रहेंगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब इंटीरियर से बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लैक और बेज कलर का इंटीरियर मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड डोर के अंदर आपको ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको एक हैंडल भी मिल जाता है, जो कि आपके एक्सटीरियर कलर के अंदर रहेगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसके अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड अगर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो वो आपको टॉप मॉडल जैसा ही मिलेगा। सेंटर से बात करें तो इसके अंदर आपको एक 7 inches की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ एंड USB को सपोर्ट करती है। इसी के नीचे आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 12 volt पावर सॉकेट एंड USB और AUX का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको काफी सारे डिजाइन एलिमेंट मिल जाएंगे, जो कि आपके एक्सटीरियर कलर से मैच करेंगे। एंड अगर नीचे से बात करें तो इसके अंदर आपको फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं मिलता। अब पैसेंजर साइड एरिया की बात करें तो इसका कैबिन आपको काफी ज्यादा एरी फील होगा। एंड अगर रूफ से बात करें तो इसके अंदर आपको एक ग्रैब हैंडल, मैनुअल डे एंड नाइट ORVM एंड कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं। मिसिंग फीचर की बात करें तो वो रहेगी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अब रियर साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। एंड अगर रियर डोर की बात करें तो इसके अंदर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स एंड एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको 267 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। एंड इस वेरिएंट के अंदर आपको रियर पार्सल ट्रे एंड एक बूट लैंप भी मिल जाता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज।